नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो अगर आप आपके सिरहाने रखते हो, ये एक बेडरूम का मैंने यहाँ पर नक्शा निकाला है, तो वो चीजें आप कहाँ पर रखोगे तो बुरे सपने या फिर आपको रिलैक्स नहीं होना, थकावट महसूस होना, ये चीजें आपके साथ हो सकती है। तो ये कौन सी चीजें हैं हम देखते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बेडरूम है घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। बेडरूम का जो है ये नॉर्थ पोर्शन है, ये बेडरूम का ईस्ट है, यहाँ से बेडरूम का डोर है, ये वेस्ट और ये साउथ। यहाँ पे आपका बेड है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पर आप आपके बेड के नजदीक ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर ये रखते हो तो आपकी नींद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छी हुई है, मुझे रिलैक्स लग रहा है, ये आपको नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि वास्तु का नियम हो, आयुर्वेद का हो या किसी भी साइंस का नियम हो, आप अच्छे से कसरत कीजिए, यानी कि हेल्थ की आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप घूम के आइए, आपका वॉकिंग होना चाहिए मिनिमम हाफ एन आवर, तो आपको बहुत अच्छी नींद लगेगी। ये तो सबसे पहला टिप है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कुछ आधुनिक यंत्र, यानी कि जैसे कि मोबाइल। ये मोबाइल जो है आपको आपके सर के पास नहीं रखना है। इसका रीजन ये है दोस्तों, मोबाइल जो है मोबाइल की सार वैल्यू होती है, SAR सार वैल्यू। नॉर्मली बहुत लोग मोबाइल लेने से पहले सार वैल्यू देखते हैं कि इसका सार क्या है, या अगर सार वैल्यू ज्यादा है तो वो मोबाइल नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आप जब कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। इसलिए मोबाइल फोन जो है ये सार वैल्यू देखकर लेना है, और मोबाइल फोन जनरली आपके सर के पास में नहीं रखना है। कॉल पे बात करते वक्त तो सार ज्यादा ही रहता है, बट आप ऐसे भी रखते हो तो कनेक्टिविटी तो रहती ही है मोबाइल की, तो ये आपके ऊपर ये रेडिएशन इम्पैक्ट करता है, और मोबाइल की वजह से जो डिसीज होते हैं वो सीवियर वाले हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे पहली चीज आपको अवॉइड करना है कि मोबाइल। मोबाइल के बाद में दूसरी चीज है लैपटॉप। मोबाइल सर के पास रखना अवॉइड करना है, बाकी आप किधर भी रखिए, आप उठकर उसको देखिए, जब भी देखना है फिर से दूर रख दीजिए और फिर से सो जाइए। लैपटॉप जो है दोस्तों, लैपटॉप भी आपको आपके पास में नहीं रखना है। बैटरी होती है इसमें, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती है, इनकी खुद की एक एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है। तो लैपटॉप जो है वो भी आपको आपके सर के नजदीक रखकर नहीं सोना है। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे कि वॉच है, आपका वीडियो गेम और इस प्रकार की जो चीजें हैं, वो आपके सिरहाने आपको नहीं रखना है। आपको ये चीजें आपसे दूर रखना है। आप अगर अभी से ये आदत डालते हो तो आपको देखकर आपके बच्चे सीख जाएंगे, वो भी ये चीजें अपने नजदीक लेकर नहीं रखेंगे, नहीं सोएंगे। तो ये चीजें तो आपको अवॉइड करना है। इसके बाद में जो है आपका पर्स या वैलेट। पर्स कभी भी आपके नजदीक में, यानी कि सर के पास लेकर नहीं सोना है सिरहाने। हम लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं पर्स को, या उसमें जो पैसे रखते हैं, जो भी चीजें रखते हैं, तो हम जहां पर सोते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि वहां पर इतनी पवित्रता हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको पर्स नहीं रखना है। तो पर्स रखना अवॉइड करना है। आपके सर के पास में आपको रस्सी या जंजीर, यानी कि रस्सी या फिर जो जिसको हम साखी कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं रखना है। ओखली भी आपको सिरहाने नहीं रखना है। ओखली सिरहाने रखना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे रिश्तों में तनाव आना चालू होता है। अखबार या मैगजीन, ये जो चीजें हैं, ये भी आपको आपके सिरहाने नहीं रखना है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर तो आपको क्लीननेस रखना है, ये साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तान तनाव होते हैं या पति पत्नी में रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं है,
तो आपको क्या करना है कि एक दिन आपके बेड के साइड में नीचे या कॉर्नर में एक लोटे में, जो कॉपर का लोटा होता है उसमें, या स्टील के लोटे में, कॉपर के लोटे में रखते हैं तो अच्छा है, स्टील के लोटे में भी आप रख सकते हो, पानी रखना है। और ये पानी जो है सवेरे कैक्टस या फिर कुछ भी कांटे वाला जो वृक्ष है उस वृक्ष को ये पानी डाल देना है। ऐसा आप एक दो तीन दिन कीजिए, इससे आपके रिश्तों में जो तनाव है वो भी कम होने लगेंगे। अगर ज्यादा तनाव है तो क्या करना है कि एक मोमबत्ती आपको इस रूम में लगाना है, एक ही दिन रात में, वो भी यहाँ पर मोमबत्ती लगाइए। और लगाते वक्त आप प्रार्थना कीजिए, आपके कुल देवता की आपको प्रार्थना करना है कि ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, इसी के साथ में जो हमारे पति पत्नी के बीच तान तनाव है ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हम दोनों में कभी भी तान तनाव नहीं रहेगा। आप ये उपाय करके देखिए दोस्तों, एक आपको मोमबत्ती यहाँ पर लगाना है और ये प्रार्थना करना है आपके कुल देवता को, आंखें बंद करके आपके कुल देवता से ये प्रार्थना कीजिए और ये जलाकर आप बाद में सो जाइए। ये आपको सिर्फ एक ही दिन ये उपाय करना है, आप ये उपाय करके देख सकते हो। इसके बाद में जो आप कर सकते हो वो उपाय ये है कि आप आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, अगर समझो सभी में कुछ ना कुछ अनबन होती है, तो आप जब घर में पोछा लगाते हो तो उस वक्त पोछा लगाने के पानी में आपको थोड़ी सी शक्कर डालना है, या फिर आपको पहले पोछा लगाने से पहले एक पानी में शक्कर डालिए और पूरे घर में उसको छिड़किए और उसको वैसे ही सूखने दीजिए थोड़ी देर के लिए। वो सूखने के बाद आप एक 10 मिनट बाद पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि चींटियां ना लगे इसलिए, नहीं तो चींटियां लग सकती है, वो मीठा पानी है इसलिए। तो वो छिड़कने पूरे घर में छिड़किए और बाद, और स्पेशली जहां पर सभी मेंबर्स बैठते हैं घर में, आपका ड्राइंग रूम हो, आपका डाइनिंग रूम हो, कहीं पर भी जहां पर ज्यादा देर बिताते हैं वहां पे, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। वहां पर ये पानी छिड़कना है और एक 10 मिनट बाद वो सूख जाएगा, तो आप पोछा लगा दीजिए। ऐसा आपको एक दो तीन दिन करना है। तो इसमें, इससे जो भी घर में सभी मेंबर्स में तान तनाव होता है या फिर कुछ खींचातान होती है, तो ये सब चीजें कम होने में मदद मिलती है। इसके बाद में सिरहाने क्या नहीं रखना है, मैंने कुछ चीजें बताई है कि जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ओखली या और भी चीजें मैंने आपको बताई है कि जैसे रस्सी या जंजीर, अखबार, मैगजीन, ये चीजें नहीं रखना है। आपकी किताबें जो भी रहेगी, आप पढ़ते हो रात में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किताबें आपको आपके सर के यहाँ पे रख के नहीं सोना है। उसका आप एक कबर्ड बनाइए क्लोज वाला, किताबें कभी भी खुली मत रखिए बेडरूम में, एक कबर्ड बना के उसके अंदर आपको किताबें रखना है, उनको कभी भी आपको खुला नहीं रखना है बेडरूम में। तो ये हो गया किताबों के बारे में। इसके बाद में दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में ये रखना है कि आप कहीं पर भी सो, आपके बेडरूम में हो, आप किसी के घर पे जाइए एज अ गेस्ट बोल के, कुछ भी हो, आप घूमने जाओ, आपके सर के पास में गलती से भी आपको एक चीज नहीं रखना है, और वो चीज है की, यानी कि चाबी। चाबी या कभी भी सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा करने से हमेशा चोरी का भय होता है, या फिर कोई आपका जो है, आपका किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकता है, जिसको हम विश्वासघात कहते हैं, तो ऐसी चीजें इसमें हो सकती है। तो गलती से भी आपको आपके सिरहाने कीज कभी भी नहीं रखना है, चाबियों की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, वहीं पर ही चाबियां रखना है। अगर आपके जेब में चाबी है सोते हुए, वो आपने निकाल के रख दी उधर ही आपके सर के पास में, तो ऐसा गलती से भी मत कीजिए। आपके जो थोड़ी देर का लेजीनेस है, ये आपको हमेशा के लिए आपके मन में भय निर्माण कर सकता है। दूसरी बात, लेडीज के लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट, आपके जो ऑर्नामेंट्स है, आपके कान की बालियां है या फिर आपके स्पेक्स है या कोई कुछ भी चीज, आप रात को सोते वक्त अगर निकाल के रखते हैं तो आपके सिरहाने नहीं रखना है।
ये ध्यान में रखना है और ये बहुत जरूरी बात है, ये आपको आपके सिरहाने नहीं रखना है, आप उठकर जहां पर प्रॉपर प्लेस है वहां पर रख दीजिए, बट आपके सिरहाने कभी भी मत रखिए ये चीज, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीजें आपके सिरहाने रखना है, उससे क्या नुकसान होगा, क्या आप रख सकते हैं, उससे क्या फायदा होगा, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।